मुझसे? जी सर। मैं तो कलंक ही हूँ यार। नहीं सर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोप दिए जाते हैं सर। तो थोपा पहले आप शुरू था और मैंने कमाया भी, लेकिन अभी वो कलंक साफ हो गया ऐसा लग रहा है। सब अपने अपने एक्सपीरियंस। वरुण सर आपसे। नहीं, जैसे कि आपने कहा, बहुत सही कहा, कलंक एक इट्स लाइक अ स्टिग्मा, और कभी कभी प्यार को भी उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। यू नो, कभी कभी प्यार को भी वो नाम दिया जाता है कि जो लोगों को लगता है कि उनका प्यार है, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं ये कलंक है। बट हमारी जो फिल्म है दिस सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ लव, और जब आपको प्यार की शक्ति मिलती है आप कोई भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो मेरे हिसाब से। माधुरी मैम। कलंक अभी क्या कलंक, मुझे लगता है कि व्हाट वरुण धवन सेड इज वेरी ट्रू कि इस फिल्म में, और डिटो बोलूंगी मैं क्योंकि इनकी कहानी ऐसी है, इसमें दिखाया है कि लव कॉन्कर्स ऑल बेसिकली, तो प्यार हर कलंक को मिटा देता है। आदित्य सर। सेम। आलिया मैम। सेम सेम। सोनाक्षी मैम। सेम टू सेम। कुणाल सर। यार परसों तूने थोपने की बात की ना, पिछले हफ्ते मैं शूट कर रहा था तो चेस सीक्वेंस था, तो एक फाइटर टेढ़ा गिरा और मैं फिसल के गिरा, तो मेरे कंधे और घुटने पे कलंक आ गया, वो थोपा गया था मेरे पे, वो मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। वरुण सर, आपको याद होगा ये जी सिने अवार्ड में आपने रणवीर सर से, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर सर से आपने बोला था कि आलिया बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उनके पास अभी फिल्में हैं इंशाल्लाह, ट्रिपल आर, ये वो, तो आगे याद रखना कि आगे हम सबके साथ काम नहीं करेगी, ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। तो ये मजाक था या आपको लगता है, थोड़ा बहुत लगता है ऐसा होगा? आपको क्या लगा सर? आपको लग रहा है कि आप CID पे हो अभी इस तरीके से? नहीं सर, तहकीकात कर रहे हैं हमारे साथ? कुछ तो लग रहा होगा सर आपको, कुछ तो लग रहा होगा। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो ट्रिलॉजी है, मैंने उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया था। नो, बेसिकली मैंने कहा था कि ये अभी बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई है और आगे जाके उसके पास डेट शायद नहीं होगी मेरे साथ काम करने के लिए, और उस बात पे रणवीर सर और रणबीर सर दोनों हंसे, तो मैंने बोला तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, आगे जाके तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो मेरा वो मतलब था। टीम टू द टीम कलंक, दिस ऑन योर राइट साइड, दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट। कांग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर। थैंक यू। ओके, मेरा सवाल कुणाल जी आपसे है, ऐसा लगता है कि आपका कैरेक्टर इज द मेजर रीजन फॉर द टर्मोइल दैट हैज हैपेंड इन द फिल्म, सो आप अपने कैरेक्टर बारे में पहले बताइए प्लीज। यार मैं अपना कैरेक्टर 17 को एक्सप्लोर करूंगा आप लोगों के साथ, तो मुझे भी तभी पता चलेगा, सो आई एम आल्सो नॉट श्योर इफ ही इज पॉजिटिव नेगेटिव। पर ये सच है, ये सच है, क्योंकि ऐसे कई दिन गुजरे हैं सेट पे पर जब कुणाल बैठे रहते थे और ही विल बी आस्किंग व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुणाल एक्चुअली ही वेंट थ्रू लॉट ऑफ टर्मोइल इवन व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म, व्हिच ओनली मी एंड आदित्य नो अबाउट, सम पर्सनल मेमोरीज ही रिलिव्ड इन। Yeah. वो अक्सर मतलब अपने आप को रूम में अकेला बंद कर देते थे, वो निकलते ही नहीं थे रूम से। ही वाज इन कैरेक्टर। हम लोग हमेशा बोलते थे कि यार कुणाल बाहर आ, खाना खा, थोड़ा घूम फिर हम लोग के साथ, वो दिखता ही नहीं था रूम में अकेले। फिर गो गो कार्टिंग वन डे वी वन डे ब्रो ही ब्रोक कैरेक्टर यू आर ब्रोक कैरेक्टर गो कार्टिंग हैड नथिंग टू डू विद द फिल्म। या ऑफ कोर्स मींस एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। या ओके, एनीवेज टू आंसर योर क्वेश्चन 17th वी विल फाइंड आउट। मेरा सवाल हालांकि अभिषेक वर्मन से था लेकिन वो यहां नहीं, हम लोग उन्हें बता देंगे। हां जी हां जी। संजू सर हियर आपसे और जितने भी मेल एक्टर्स हैं उनसे पूछना था, ये इटर्नल लव स्टोरी है, प्योरिटी ऑफ लव पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी उतने ही ज्यादा हैं, तो एक बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग को के साथ ये जो एग्रेसिव और जो इस तरह के सिचुएशंस हैं उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था मेल एक्टर्स के लिए? ये आप अभिषेक से पूछ रहे हो कि किससे? नहीं मैं चारों मेल एक्टर से पूछ रही हूँ। तो वरुण बोलेगा हमारी तरफ से। जी हाँ वरुण वर्मा। मैं बस ये कहूँगा कि मैंने सीन किया है संजू सर के साथ जहाँ अभिषेक भी सेट पे था, और आपको कैसा लगा कि उस वक्त जब वो आपको डायरेक्ट कर रहा था अभिषेक वर्मा, बिकॉज ही इज अ न्यू डायरेक्टर, उसकी सेकंड फिल्म है और संजू सर ने इतनी फिल्में की है, तो एज अ डायरेक्टर हाउ ही वाज हैंडलिंग यू और हैंडलिंग द एक्टर्स, हाउ डिड यू? ही हैड नो चॉइस टू हैंडल मी राइट, है ना? ही हैड नो चॉइस। नहीं बट बहुत अच्छा डायरेक्टर है, सॉफ्ट इंसान है और काम बहुत अच्छा करता है, एंड आई लव दैट सीन माधुरी मी एंड वरुण डिड, आई थिंक पावरफुल सीन है बहुत, एंड बहुत मजा आया।
Sanju, would you like to elaborate that scene a little bit? No. Huh? Not yet. No, but actually, I would like to answer your question. Like the way you clearly pointed out, ke bahut twists and turns hai, or you know, it's still following one journey of love. But I think ki zindagi bhi waisi hai, seedhi to nahi katti. It's always ulta phulta, you know, aada teda. But at the core of this film, the film is about all these relationships, the dynamic of human relationships. और ऑफ कोर्स लव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पर ह्यूमन डायनामिक और रिलेशनशिप्स डायनामिक्स को लेकर उस पे ज्यादा फोकस्ड है आलिया दिस साइड यू टॉकिंग अबाउट